देश के कई राज्यों में किसान हड़ताल पर चले गए हैं। 10 दिनी किसान अवकाश में 130 से अधिक किसान संगठन शामिल हो रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर बंद कर रहे इन किसानों ने कई जगह सड़कों पर दूध व सब्जियां बखेर दी हैं। देश के 7 राज्यों में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से आंदोलन शुरू कर दिया है। उनका यह आंदोलन 10 दिनों तक चलेगा। वे कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के भुगतान के साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। 1 जून से शुरू होकर 10 जून तक चलने वाले किसान अवकाश में 130 से अधिक किसान संगठनों के शामिल होने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने कहा, हमारे साथ 130 से अधिक किसान संगठन है। यह अब देशव्यापी आंदोलन हो गया है। हमने इसे गाँव बंद नाम दिया है। हम शहरों में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम वहां आम लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि 10 जून को दोपहर 2 बजे तक भारत बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने देश के सभी व्यवसायियों से भी उस दिन दोपहर 2 बजे तक उन किसानों की याद में दुकानें बंद रखने का आह्वान किया जिनकी जान पिछले साल चली गई। इस आंदोलन में मध्य प्रदेश के साथ साथ पंजाब, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के किसान भी शामिल हैं। नाराज किसानों ने कई जगह सड़कों पर दूध व सब्जियां फेंक दी। रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में किसानों ने करीब 40,000 लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों ने आंदोलन शुरू करने से पहले मंदिर पहुंचकर भगवान की मूर्तियों का दूध से अभिषेक किया। पंजाब के कई इलाकों में भी किसानों ने सब्जियां व दूध सड़कों पर बिखेर दी। लुधियाना के समराला में किसानों ने बड़ी मात्रा में सड़कों पर दूध बहा दिया तो फरीदकोट में भी किसानों ने शहरों में फलों, सब्जियों और दूध की आपूर्ति रोक दी। मंदसौर में किसानों ने दूध एवं सब्जियां गांव से बाहर नहीं भेजने का ऐलान किया है जिससे कई शहरों में इन चीजों की किल्लत की रिपोर्ट है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। उनका कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं। मंदसौर के कलेक्टर OP श्रीवास्तव ने कहा कि यहां दूध और सब्जियों जैसी आवश्यक चीजों की किल्लत नहीं है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है ताकि किसी अप्रिय वारदात को होने से रोका जा सके। वहीं BJP विधायक ने श्याम प्रकाश ने अपने फेसबुक पोस्ट पर कहा कि किसान सरकार से नाराज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार में पिछली सरकार की तुलना में भ्रष्टाचार अधिक है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए भ्रष्ट अधिकारी अधिक जिम्मेदार हैं।